मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है ट्यूसडे और कल हमारी ट्रेन है, तो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और सासू माँ भी हमारे साथ में चलेंगे, तो सब साथ में ही जाएंगे यहाँ से पुणे। क्या करना है, क्या करोगे बैठ के? मैं तो बाहर जा रही हूँ बारिश देखने के लिए। बाहर का मौसम इतना अच्छा हुआ है, पापा बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कैसे आएंगे, बट अच्छा मौसम हुआ है, बारिश आ रही है। मम्मी, हाँ फूल मत गिराना, आते गिरा जाता इधर। हाँ गिराएंगे तो आप दिला दोगे ना नया फोन? मैं तो दिया, मैं पर पैसे है क्या? नहीं है ना, पैसे नहीं है तो लाओ पैसे कहीं से, कमाओ। आप दिला दोगे? आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। हाँ ठीक है, दिला देना। अनु भैया कब आएंगे आपके? अनु भैया, बारिश का मौसम था तो पापा मिर्ची बड़े समोसे लाए थे, यहाँ के बहुत फेमस रहते हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ लगो। अच्छा लग रहा है, अच्छे से लगाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ पोछा लगाना इजी है या टफ है? टफ। अच्छा दोनों इजी भी है टफ भी है। आपको अच्छा लग रहा है लगाना? कल से आप ही लगाओगे? ठीक है फिर कल से आप ही लगा देना, ओके? बच्चों के दादी नागौर गए हुए थे, हमारे से पहले आए थे वो यहाँ राजस्थान, अभी हम लोग जाएंगे तो हमारे साथ में ही चलेंगे, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेके जा नहीं सकती और हस्बैंड को डबल ट्रिप हो जाता आना जाना वापस, तो हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो बहुत खुश है बच्चों से मिलके, काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मिले हुए, तो बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर हम लोग छत पे चले गए, हम लोग इवनिंग में रोज़ एक घंटा छत पे जाते हैं, और मेरे सासू माँ भी चारों तरफ का एरिया वगैरह देख रहे हैं वो, और बच्चे अच्छा एंजॉय करते हैं छत पे, अच्छा लगता है उनको। एक घंटे तक हम लोग अच्छे से घूमते हैं और बहुत अच्छा व्यू, और वेदर भी इस बार बहुत अच्छा था यहाँ का। हाँ फिर से लटको, ध्यान से आओ पीछे लगाना, और फिर से लटक के दिखाओ। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया और हम लोग जा रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन, घर से 10-15 मिनट्स का डिस्टेंस है, और भैया और भाभी तो ऑफिस गए तो पापा छोड़ने के लिए चल रहे हैं हमको। और हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, मतलब बहुत सारी ट्रेन देखना, और मैं सिखाती रहती हूँ ये ट्रैक है, ये इंजन है, बोगी है, तो अच्छा लगता है उनको, ये देखते हैं तो उनको अच्छे से याद रहता है, भूलते नहीं। बुक्स का फिर भी भूल जाते हैं, बट ऐसे फिजिकली कुछ चीज़ बताते तो वो भूलते नहीं है। और यहाँ का फेवरेट पार्ट है ये फ़ैन, बहुत ही बड़ा सा, हम लास्ट टाइम पर भी आए थे तो इसको ही देख रहे थे, बहुत बड़ा है। मत बंद कर, खुश हूँ मत बंद कर। और अभी हम लोग पूना पहुंच गए, 19 आवर्स लगता है जोधपुर टू पुणे, तो आके फ्रेश वगैरह, और बच्चों ने पूरे खिलौनों का क्या हाल किया है। आज ऐसा नहीं करेंगे बेटा। आज आए हो ना आप, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। मैं और मेरी मदर इन लोग हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अभी लंच में क्या बनाना है, तो फिर हम लोगों ने कुछ डिसाइड तो कर लिया, दाल वगैरह बना देते हैं, बट फ्रिज में देखा तो कुछ भी सब्जियां नहीं थी, तो फिर उस टाइम पे तो हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, बट नाइट डिनर बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ चाहिए, तो अभी मार्केट में आए हैं सब्जी लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड तो वो अकेले थे, तो अकेले इंसान कितना बना पाता है, वो नहीं बनाते, और उनसे इतना टेस्टी बनता भी नहीं है, कभी बनाया नहीं है, तो अभी हम लोग लेके जाएंगे सब्जी और डिनर प्रिपेयर करेंगे। और इशिका को आइसक्रीम बहुत फेवरेट है, तो वो खुशू अच्छा लग रहा है पुनः आके, ए खुशू अच्छा
इधर आना तो ईशी को, इधर आओ, आपकी चूड़ियां दिखाओ, इधर आओ दीदी। ओहो इधर खेल लो बेटा, इधर रिस्क ही है, बाहर 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 आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाय खुशियो, आप रेडी हो नए क्लास में जाने के लिए? आप अभी कौन सी क्लास में हो? सीनियर के जी में हो। तो और आज आपका फर्स्ट डे। हाँ फर्स्ट डे। हाँ तो क्या क्या करने का सोचा है आपने? मुझे नहीं पता। तो नाना जी नाना नानी के घर गए थे? हाँ पहले मैं फोन आती क्योंकि मुझे खुद आना है। मैं नाना जी के घर आती तो क्योंकि मेरी छुट्टी थी और पता है और मेरे तारू इसलिए मैं ना फोन आ गई। क्या मेरा पूना का गल है? क्या क्या एंजॉय किया वहाँ पे? बहुत सारा एंजॉय किया। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन थे वहाँ पे? जोर से अनु भैया ब्रदर है। ईशिको क्या कर रहे हो? किसको लेने आए हो? किसको लेने आए हो? दीदी को। आप भी स्कूल जाओगे फिर? हाँ आप भी स्कूल जाओगे? मस्त हवा आ रही है ना। ये देखो दीदी आ गया, दीदी का बस आ गया। अरे दीदी स्कूल जाते हैं ना इसलिए मिलता है। खुशी इधर आओ, आपका इयररिंग दिखाओ, इयररिंग ये इसमें तो है, इधर वाला दिखाओ। इसके बाद ना निकल गया है। निकल गया है, अभी क्या करें, दूसरा लेके आए? अरे नहीं तो कल है ना इयररिंग से ना ये भी निकालेंगे फिर दूसरे पहनाएंगे वो इयररिंग वाले फिर ना उसके बाद हम टॉपिंग डालेंगे कर हम अभी पेपर डालेंगे। ये वाला अलग, कौन सा वाला अलग है? ये वाला ना स्क्रू वाला। हाँ ये वाला है जो दूसरा है। और वन मंथ पहले ही हम लोगों ने खुशी के ईयर पियर करवाए थे बट वो स्कूल में पता नहीं कैसे उसने अपना एक ईयरिंग निकल गया, उसका निकल के घिरा तो नहीं मतलब उसके पास में ही था बट वो निकल गया तो हम लोगों को वापस से निकलवा के दूसरे पहनाने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो इसके ब्लॉक्स जो भी है छेद वो रुक जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है तो हम लोग आए उसको वापस से दूसरे पहनाने के लिए ताकि उसका जो होल हुआ है वो बंद ना हो। पर ये बहुत डर रही है और इस इनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जो शॉप में हम लोग आए हैं ना, हम लोगों का यहाँ काम बहुत कम पड़ा है, अभी अभी पूना शिफ्ट हुआ है तो इतना हमको भी नॉलेज नहीं था तो कौन सा ज्वेलर अच्छा है और हम लोग यहाँ पे लेके आए बट इनसे इतना अच्छे से हो नहीं रहा था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था और खुद भी डर रहे थे और खुशी तो बहुत ही डर रही थी तो बहुत टाइम लगा और फिर थोड़ा सा ब्लड भी आ गया मेरे से तो ये सब नहीं देखा गया, मैं तो बाहर चली गई और फिर ये बहुत रोई थी तो इनको बबल गन चाहिए थी तो हम लोगों ने इनको बबल गन दिलवाई और ये इनकी फेवरेट टॉय है, बहुत पसंद है, कब से ही बोल रहे थे कि हमको ये चाहिए। और ये गन के साथ जो लिक्विड आता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है और अगर घर के अंदर करे तो पूरा पूरा सर्फ जैसा अजीब सा फर्स हो जाता है तो हम लोग बाहर नीचे इनको यहीं पर थोड़ा सा खिलाएँगे और ऑटो आ रहा नहीं नहीं वो तो वहां तक भाग रहे हैं। अरे इधर है,
खुशु इधर है बेटा। और ये खुशी की बुक्स हैं, और लास्ट ईयर वो जूनियर केजी में थी, अभी सीनियर केजी में आई है। और इनका आईसीएसई बोर्ड है तो बुक्स तो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी बुक्स हम लोग जब स्कूल में थे टेंथ क्लास में होती थी उतनी सारी बुक्स होती है। बट ये अच्छा है, उनको सारी बुक्स लेके नहीं जानी रहती है, उनको बस एक ही बुक और एक नोटबुक दो ही कैरी करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें स्कूल में ही सबमिट कर लेते हैं वो लोग। और ऐसी बुक 8 बुक्स है, बुक नंबर 1, 2, 3 करके, उनमें हिंदी इंग्लिश और सारा मिक्स ही रहता है। बट अच्छा एजुकेशन बहुत अच्छी है पूना की, मुझे बहुत पसंद आई और बहुत हाई लेवल की भी है। और अभी हम लोग ये सारी बुक्स को कवर चढ़ाएंगे, आज संडे है तो थोड़ा टाइम मिला है, तो 1 घंटा पड़ा है लंच, फिर लंच करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सारी बुक्स स्कूल में सबमिट करनी है, वो एक दिन खुशी के बैग में भिजवाएंगे तो स्कूल में सबमिट कर लेते हैं, और जो बुक पढ़ाते हैं उनको वही भेजते हैं। और इस साल से हिंदी भी इंक्लूड हो गया, और फिर नेक्स्ट ईयर मराठी भी आ जाएगा। मराठी तो मैं नहीं पढ़ा सकती, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती है, बट हिंदी, हाँ ठीक है, हिंदी मैंने ट्राई किया तो उसको 5-6 महीने में हिंदी पूरी सिखा दूंगी मैं। पहले भी मैंने एक बार पढ़ाया था, वो सीख भी गई थी, बट अभी 1 साल का गैप आ गया तो फिर से भूल गई है। और अभी ये काम, बहुत सारी बुक्स थी तो इनमें टाइम लग रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप भी हेल्प करो, स्टिकर वगैरह आप लगाओ, नेम लिखो, और मैं इनको कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ, तो वो भी आके बैठे हैं। और पर बच्चे बहुत पंचायती कर रही है, हमको करने दो ना स्टिकर लगाने दो ना ये सब, नेम लिखने दो ना, कुछ ना कुछ उनको करना ही रहता है। और ठीक है, ये सब करते थे, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, जब हम भी छोटे थे तो ये सब करते थे, इतना अच्छा लगता था ना वो टाइम पे। और मेरे हस्बैंड देख रहे कि बुक्स के कौन है ना, वो बहुत शार्प है, तो बच्चों के चुभने का डर रहेगा, वो ये चीज़ चेक कर रहे और बोल रहे हैं। तो फिर वो बाद में उसके एंडिंग में वो क्या किया, उन्होंने सारी बुक्स का हल्का हल्का सा कोना कट कर दिया कैंची से, ताकि वो चुभे नहीं, क्योंकि खुशी और छोटी और अभी उनको इतनी समझ है नहीं, तो वो निकालते करते टाइम उनके लगे ना। ये सेफ्टी के मामले में तो मेरे हस्बैंड बहुत बेस्ट है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना वो, कि कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए। मेरे को लगता है कि बच्चों के लगेगी तो स्ट्रांग बनेंगे, बट वो बोलते हैं कि नहीं बड़े होके हो जाएंगे। बट गाइस ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।